नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्य की उत्पत्ति आज भी एक अनसुलझी रोचक पहेली है, इसका सटीक परिमाण कोई भी नहीं दे पाया है। इंसान की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सारे ब्रह्मांड के रचयिता भगवान है, वह सर्वव्यापी व सर्वशक्तिमान है। उसी ने सूर्य, चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह, जल, थल, पेड़ पौधे एवं समस्त जीवों की रचना की है। धार्मिक सिद्धांतों का तो यही मानना है कि आज से अरबों वर्ष पूर्व भगवान ने ऋषि मनु के रूप में प्रथम पुरुष और शत्रुपा के रूप में प्रथम स्त्री की रचना की थी। इनके चार पुत्र भी हुए थे, परंतु चारों पुत्रों ने शादी नहीं की और आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन किया, अतः प्रभु का कार्य संपन्न नहीं हो सका। प्रभु ने फिर नारद मुनि जी को इस काम के लिए पृथ्वी पर भेजा, लेकिन नारद जी भी सृष्टि की वृद्धि में कोई योगदान नहीं कर पाए। अंत में इस कार्य का शुभारंभ कश्यप ऋषि ने अपनी पति दिति व अदिति के सहयोग से किया। ऐसा भी कहा जाता है कि अदिति से देवताओं की उत्पत्ति हुई व दिति से असुरों का जन्म हुआ। इसके पश्चात असुरों व असुरों के परिवारों में निरंतर वृद्धि होती गई और पृथ्वी पर मनुष्य का आधिपत्य होता चला गया। वैज्ञानिक विचारधारा धार्मिक विचारधारा के ठीक विपरीत है। कई अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया की उपज है। आदिकाल से लेकर आज तक पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में अनगिनत बदलाव आए हैं। मनुष्य ने भी विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए आधुनिक स्वरूप धारण किया है। लगभग 600 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का थल व वायुमंडल बहुत गर्म था। इस प्रकार के पर्यावरण में किसी भी प्रकार के जीव का विकसित होना संभव नहीं था, अतः इस युग में करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी बिना जीवन के वीरान ही पड़ी रही। यही कारण है कि पृथ्वी के इस प्राचीनतम प्रारंभिक युग को एजोइक अर्थात जीवन रहित युग कहा जाता है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हो गई और कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। आधुनिक स्वरूप धारण किया है मनुष्य ने, आज यह उसी की उपज है।